नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बीटीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट, यूपीटेट और आने वाली अन्य टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर यह आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा प्लेग। प्लेग है तो प्लेग क्या है? चार विकल्प हमारे सामने हैं, एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग जो है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है और ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है गैसी अपशिष्ट है, तो गैसी अपशिष्ट कौन से हैं? यहाँ पर चार विकल्प हमारे सामने हैं, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी या खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो निश्चित ही गैसी अपशिष्ट मतलब जिसमें गैसी अपशिष्ट गैस के रूप में हो, तो लकड़ी कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है वो एक गैसी अपशिष्ट होता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? तो यहाँ पर दूर दूर तक प्रसारित होने वाले जो पौधे होंगे तो वो रहेंगे, सीधे सीधे उत्तर को टिक करते हैं क्योंकि चार विकल्प को पढ़ने में आपका थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो फलों के द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं वो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। फलों से मतलब जैसे कई पक्षी जंतु जो होते हैं ये पेड़ पौधों के फलों उनको खा लेते हैं और दूर दूर तक उनको ये प्रकीर्णित कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाता है। मतलब कहने का ये कि एक जीव को लाभ पहुँचता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो ये लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा हुआ? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रश्न को उल्टे क्रम में पढ़ते हैं। देखिए कीड़े जो हैं वो हरे पौधे को खा रहे हैं, यहाँ पर पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं और कीड़े यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इसी प्रकार से कीड़ों को सांप खा रहा है तो सांप जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और मोर जो है वो सांप को खा रहा है, तो मोर यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता जो कि सबसे ऊपरी उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पर मोर का पोषण तल कौन सा हुआ? तो मोर का पोषण तल यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। वैसे सबसे ऊपर जो होते हैं वो अपघटक भी होते हैं, परंतु हमें यहाँ पर उसको पोषण तल के आधार पर देखना है, तो वो तृतीयक उपभोक्ता या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर कायंत्रित सेल का जो उदाहरण रहेगा वो कौन सा रहेगा? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इनमें से हमें कायंत्रित सेल को पहचानना है, इसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संगमरमर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कायंत्रित सेल है। परंतु यदि हम प्रश्न पूछिए किससे कायंत्रित होकर के संगमरमर बनता है, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर जो है वो चूना पत्थर भी हो सकता है, क्योंकि चूना पत्थर जो होता है यही कायंत्रित होकर के संगमरमर में परिवर्तित होता है और चूना पत्थर जो है ये एक औषधि शैल होती है। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से रहे वो हमें थोड़ा सा देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्सर्जक ग्रीन हाउस गैसों का जो है वो है ऑप्शन बी चीन, और चीन जो है ये 10,641, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 10,641
2641 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ये उत्सर्जित करता है ग्रीन हाउस गैसों को, जो कि कुल विश्व के प्रदूषण का लगभग 30% होता है। तो इतने मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष चीन जो है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चामोली में यह शुरू हुआ था। तो हमें उस आंदोलन के बारे में बाकी तो बहुत कुछ पता है, परंतु यहाँ हमसे उसका सन पूछा गया है कि कब ये शुरू हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1973 के अंदर ये शुरू हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कीड़े बकरी खरगोश गाय हाथी आदि किस वर्ग में आते हैं? तो कीड़े बकरी खरगोश गाय जो हैं ये सभी शाकाहारी जंतु हैं और ये आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्न में से क्या प्रभाव हो सकता है? तो देखिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र संबंधित और सभी, तो निश्चित ही सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण से हो सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन परत का महत्व है, तो ओजोन परत जो होती है इसका क्या महत्व होता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर बार टाट एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। तो ओजोन परत जो होती है ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से हमें बचाती है और यही इसका महत्व है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले पहल करने वाला जो देश है एक यूरोपीय देश है जो कि है फिनलैंड, ऑप्शन ए ये हमारा यहाँ पर उत्तर। और फिनलैंड ने ये शुरुआत कब से की थी? तो ये शुरुआत इसने की थी 1990 से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इको मार्क दिया जाता है, तो इको मार्क देखिए इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी या पर्यावरण, तो यहाँ पर इको मार्क जो होता है उन वस्तुओं पर दिया जाता है जो पर्यावरण अनुकूल हो, जिनसे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँचती हो, ऐसी वस्तुओं पर इको मार्क दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है, तो मन्नार की जो खाड़ी है ये किसके लिए जैव आरक्षित क्षेत्र है? वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों के लिए, शैवालों के लिए, दरियाई घोड़े के लिए? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल भित्तियों के लिए मन्नार की खाड़ी जो है ये जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम क्या है? तो देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जारी अभियान जो है उसका नाम हमें यहाँ पर देखना है, अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन या देश यात्रा? तो यहाँ पर उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए अतुल्य भारत। अतुल्य भारत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक जारी अभियान है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुंदरवन, ये ऑप्शन सी जो होगा पश्चिम बंगाल सुंदरवन, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो होती है ये थोड़े से दलदली या जहाँ पर तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? ऐसा वृक्ष जो कि पर्यावरण के लिए मित्रवत व्यवहार नहीं करता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है? तो चार विकल्प है बरगद, पीपल, नीम, यूकेलिप्टस। तो देखिए बरगद, नीम, पीपल ये पर्यावरण को बहुत लाभदायक फायदा देते हैं, परंतु यूकेलिप्टस जो होता है ये पर्यावरण के लिए मित्रवत
पौधा नहीं होता है, ये एक राक्षसी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है और ये जल का अवशोषण करके अन्य पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं है या कौन जैविक कारक नहीं है? तो यहाँ पर पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। तो प्रस्तर जो रहेगा ये एक जीवी कारक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या प्रकाशमंडल? तो अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं ये पाए जाते हैं स्थलमंडल में, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं वो कहलाते हैं स्क्वेंजर, जिन्हें हम अमार्जक जीव भी कहते हैं, जो कि मृत जीवों के मांस का भक्षण भी ये करते हैं, अपघटित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप जो है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो विश्व ऊष्मायन मतलब जो वातावरण के अंदर विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव की। तो यहाँ पर उसके लिए जो कारण है वो कौन सा प्रदूषण है? जल, मृदा, वायु, ध्वनि। तो निश्चित ही वायु प्रदूषण जो है ये यहाँ इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग को आवृत करते हैं जो कि लगभग है। तो महासागर हमारे जो पृथ्वी तल है उसको आवृत करते हैं, मतलब घेरते हैं, और लगभग उनका जो भाग है वो कितना है महासागरों का? तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर लगभग 75%, ये बात हम ध्यान है, 75 कहीं पर 71% भी बताते हैं, तो लगभग हम उसको 75% यहाँ पर मान करके चल रहे हैं। अब 75% है तो 75% को हम देखते हैं तो ये 3/4 ही हो जाता है। तो यहाँ पर उसका जो अनुपात रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 3/4। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रिफ किस देश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रिफ जो है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो भित्ति है ये एक मूंगे की एक दीवार है और जो भित्ति के रूप में है, और इसकी लंबाई जो होती है वो 1200 मील इसकी लंबाई है, और इसी के साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 10 से लेकर के 90 मील तक इसकी चौड़ाई होती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार होती है जो समुद्र के अंदर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो रहेगा ये रहेगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो है ये तैयार किया जाता है किससे? तो बायोडीजल जो होता है ये तैयार होता है रतन जोत से, तो रतन जोत भी विकल्प के रूप में हो सकता है, और रतन जोत नहीं हो तो वहाँ पर जेट्रोफा, क्योंकि जेट्रोफा को ही रतन जोत कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा ये हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का भागीरथी जल संरक्षण के लिए, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, तो जल के संरक्षण के लिए जो आधुनिक भारत के भागीरथी हैं वो हैं ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, जो कि बिहार से हैं, और ये इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है और इसके लिए इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? तो प्रश्न सरल है परंतु यहाँ पर लिखने की वजह है, जैसे चार विकल्प को देखते हैं तो यहाँ पर डेसी भी लिखा है, डेसी बल भी लिखा है, डेसी मल भी लिखा है,
तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसे मापा जाता है डेसीबल में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तथा इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग तथा इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय निम्न में से जाता है। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकल को, थोड़ा सा यहाँ पे इनका नाम जो है अर्नेस्ट हेकल, और अर्नेस्ट हेकल जो है इन्होंने 1866 के अंदर इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था, सॉरी 1866 में, और ये एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंदर अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत हम अध्ययन किसका करते हैं, तो भौतिक तत्वों का, जैविक तत्वों का, या ए भी दोनों तत्वों का। तो पर्यावरण जो होता है वो हमारे भौतिक और जैविक, जिसको हम कह सकते हैं कि जैविक या अजैविक, दोनों घटकों से मिलकर भी ये पर्यावरण बनता है। तो ऑप्शन सी जो कि यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखा गया है ई के रूप में, तो ए और बी दोनों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं वातावरण एवं जीवों के संबंधों का। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।